अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया और वो था ह्यूमन हेलो। हेल्थ एंड डिजीज। और उसमें हमने हेल्थ के बारे में पढ़ लिया, डिजीज क्या होती है, कितनी तरह की होती है, उसका क्लासिफिकेशन देख लिया था। और हमने एक बैक्टीरियल डिजीज शुरू की थी और वो हमने कंप्लीट भी कर लिया था, दैट इज टाइफाइड। हम एक केस स्टडी देख रहे थे टाइफाइड में, तो केस स्टडी ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड की केस स्टडी तो देखें। तो ये जो टाइफाइड है ये एक कुक के अंदर देखा गया था जिसका नाम था मैरी मेलोन। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया गया था मैरी मेलोन ने। मैरी मेलोन एक कुक थी, शी वाज इन कुक, जो कि क्या करती थी, ये खाना वगैरह बनाती थी। और ये इसको टाइफाइड था, तो इसने क्या करा, जो खाना लोगों को खिलाया बना के, तो उससे इसने क्या करा, सभी के अंदर टाइफाइड को ट्रांसमिट कर दिया। इसलिए इसको टाइफाइड को एक नाम और दिया गया है, या इसको बोला गया है टाइफाइड को टाइफाइड मेरी। और टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट से हम टाइफाइड को पता कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये केस स्टडी के बारे में लिख लीजिए, टाइफाइड वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन, टाइफाइड वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन मैरी मेलॉन। The typhoid was first observed in Mary Mellon. She was a cook. She was a cook and she transmitted और स्प्रेड दी एंड शी ट्रांसमिटेड और स्प्रेड दी टाइफाइड टाइफाइड बाय बाय फूड टू दी डिफरेंट पर्संस, टू दी डिफरेंट पर्संस। एंड शी वाज ऑल्सो कॉल्ड टाइफाइड मैरी, एंड शी वाज ऑल्सो कॉल्ड टाइफाइड मैरी। और इसको टाइफाइड मैरी भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट लिख लीजिए नोट करके, टाइफाइड डिटेक्टेड बाय विडाल टेस्ट, टाइफाइड डिटेक्टेड बाय विडाल टेस्ट। तो सबसे पहली बीमारी हमने पढ़ ली टाइफाइड। अब टाइफाइड के बाद जो सेकंड डिसऑर्डर हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर, सेकंड डिजीज पढ़ेंगे, वो है निमोनिया। निमोनिया की यदि हम बात करें तो निमोनिया जो है ये किसकी वजह से होता है, कॉज्ड बाय कॉज्ड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर निमोनोकोकस। अच्छा यहाँ पर ना ई आएगा, ई ए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या निमोनोकोकस निमोनिया की वजह से होता है निमोनिया। एक और इसमें बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करेगा, इट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी भी क्या कहता है,
ये भी निमोनिया कॉज करता है। निमोनिया में होता क्या है, निमोनिया के अंदर जो हमारे लंग्स हैं उन लंग्स में म्यूकस फिल्ड कर जाएगा। लंग्स मीन्स हमारी जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के अंदर म्यूकस भर जाएगा, और म्यूकस भरने की वजह से क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। तो निमोनिया में क्या होता है, इन दिस दी एल्वियोलाई फिल्ड विद म्यूकस। एल्वियोलाई म्यूकस भर गया एंड कॉजेज ब्रीदिंग डिफिकल्टी, और फिर ब्रीदिंग में डिफिकल्टी, सांस लेने में तकलीफ होगी। ठीक है जी, तो ये होता है निमोनिया के अंदर। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं निमोनिया में, निमोनिया में यदि आप सिम्टम्स देखेंगे तो इसमें ठंड लग के बुखार आता है, चिल फीवर, ठंड लगेगी बुखार होगा, इसके अलावा हेडेक होगा, सर में दर्द रहेगा, आपके कफ हो जाएगा, कफ आएगा, चेस्ट पेन होगा, कफ हो गया, चेस्ट पेन हो गया, टेम्परेचर रेज कर जाएगा बॉडी का। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स होंगे। इसके बाद बहुत ही जब सीवियर कंडीशन होगा निमोनिया की, तो ये आप नोट करके लिख लीजिएगा, इन सीवियर कंडीशन, सीवियर कंडीशन में क्या होगा, इन सीवियर कंडीशन जो लिप्स हैं एंड नेल्स टर्न्स, जो लिप्स और नेल्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ग्रेइश ब्लू, ग्रेइश ब्लू कलर के हो जाएंगे। ठीक है, और निमोनिया का ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हम निमोनिया को ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट बाय एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हो। कौन कौन सी एंटीबायोटिक दे सकते हैं हम इसके अंदर, इसके अंदर आप दे सकते हो एरिथ्रोमाइसिन, दे सकते हो एरिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन दे सकते हो, या फिर सल्फोनामाइड दे सकते हो। ये सब आप निमोनिया के केस में दे सकते हैं। ठीक है, अब जो निमोनिया है ये भी दो तरह का हो सकता है, लोकेशन के भी आप पे। ठीक टाइप्स ऑफ निमोनिया, टाइप्स ऑफ निमोनिया, इसमें पहला है ब्रोंको निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया। ब्रोंको निमोनिया में क्या होता है, ये निमोनिया जनरली छोटे बच्चों में देखा जाता है और एल्डर पर्सन में देखा जाएगा, और इसमें हमारे ब्रोंकियोल्स अफेक्ट होते हैं। इन दिस ब्रोंकियोस अफेक्टेड, और एक इसमें देखा जाएगा इन चिल्ड्रंस में एंड एल्डर्स में। तो ये चिल्ड्रंस में और एल्डर्स में देखा जाता है। दूसरा आता है लेबर निमोनिया, लेबर निमोनिया, और इसमें क्या होता है, इन दिस लिवर अफेक्टेड, इसमें लिवर अफेक्ट हो जाता है, और ये किसमें देखा जाता है, इन एज ऑफ 10 to 50, ये 10 से 50 साल के इंडिविजुअल्स के बीच में, इंडिविजुअल्स के अंदर देखा जाएगा। तो ये हमारा सेकंड जो है, क्लियर हो गया, फर्स्ट हमने पढ़ लिया था टाइफाइड, सेकंड हमने कवर कर लिया निमोनिया। इसको नोट करें और फिर हम थर्ड डिजीज की तरफ बढ़ते हैं।
अब देखिए, निमोनिया के बाद यदि जो हम आगे बात करें, नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज आती है आफ्टर निमोनिया वो है डिजीज नंबर थर्ड, और ये है आपका बैक्टीरियल डायसेंट्री, थर्ड है बैक्टीरियल डायसेंट्री। और ये जो बैक्टीरियल डायसेंट्री है इसको एक नाम और दिया गया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिजेलोसिस, इसको सिजेलोसिस भी बोला गया है। इसका यदि आप पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म देखेंगे कि ये किसकी वजह से होता है, तो कॉज बाय सेजेला सिगई, ये बैक्टीरिया सेजेला सिगई की वजह से होता है, सेजेला सिगई। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स देखिए, इसमें क्या होगा, फ्रिक्वेंट स्टूल पास होगा, मतलब एक्सक्रीटा आता रहेगा बार बार, और एक्सक्रीटा में क्या रहेगा, फ्लूड रहेगा और म्यूकस रहेगा, तो फ्रीक्वेंट पासेज ऑफ स्टूल, स्टूल मतलब होता है एक्सक्रीटा, बार बार स्टूल आएगा एंड या विद म्यूकस एंड फ्लूड, स्टूल में म्यूकस रहेगा और फ्लूड रहेगा, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, देखिए ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इसमें हम क्या देते हैं, ORS देते हैं, बाय ORS। ORS की फुल फॉर्म क्या होती है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, इसमें ORS दिया जाएगा ताकि जो स्टूल पासेज है वो रुक सके। तो ये हो गया हमारा बैक्टीरियल डायसेंट्री, इसको एक तरह से लूज मोशन भी बोलते हैं। इसके बाद फोर्थ वन जो हमारे पास आता है वो है प्लेग, फोर्थ वन है प्लेग। और यदि जो प्लेग की बात करें तो प्लेग जो है ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये होता है बाय बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। या इसका एक नाम और है बैक्टीरिया का, पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस। तो यर्सीनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस जो है ये क्या करते हैं, प्लेग कॉज करते हैं। और प्लेग का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये कैसे फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MOT, इसका जो MOT है वो है रेट, ये रेट के थ्रू फैलेगा, चूहे के थ्रू फैलता है, ठीक है। यर्सीनिया पेस्टिस रेट के अंदर रहता है, और रैट जिन जो खाएगा तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया चला जाएगा, और फिर क्या होगा, उससे वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ सकता है। तो इस तरह से प्लेग जो है वो ट्रांसमिट होता है। ये बैक्टीरिया करता क्या है, ये जो बैक्टीरिया है ये हमारी बॉडी में एंटर करेगा और लिम्फ नोड के अंदर चला जाएगा, और लिम्फ नोड को स्वेल अप कर देता है। दिस बैक्टीरिया एंटर इन लिम्फ नोड एंड गेट स्वेल्स अप, और इन लिम्फ नोड का वो स्वेल अप कर देता है।
ठीक है। इसमें यदि आप देखोगे जो प्लेग है, प्लेग के सिम्टम्स क्या क्या होंगे, देखिए सिम्टम्स क्या होंगे, हाई फीवर आएगा, ठीक हाई फीवर होगा, इसके अलावा पल्मोनरी अडीमा हो जाएगा, पल्मोनरी ओडिमा। पल्मोनरी ओडिमा का मतलब है कि जो हमारे एल्विओलाई हैं, ये लंग सैक हैं, इन लंग्स के अंदर वाटर रिटेंशन हो जाएगा, तो पल्मोनरी ओडिमा हो गया। पल्मोनरी ओडिमा के बाद क्या होगा, हेमरेज हो सकता है। इसके अलावा हेमरेज का मतलब है इंटरनल ब्लीडिंग, तो हम लिख देते हैं इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है। ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। इसके अलावा एक और इसमें सिम्टम है कि इस डिसऑर्डर के अंदर, प्लेग के अंदर क्या होता है, जो बॉडी है वो ब्लैक पड़ जाती है, काली पड़ जाती है, और ब्लैक होने से क्या होगा, बॉडी ब्लैक पड़ जाएगी, और इसकी वजह से ये बहुत सीवियर कंडीशन है, और फिर अल्टीमेटली उस पर्सन की डेथ हो जाएगी, और इसलिए इस तरह की डेथ को हम लोग ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, काली मौत भी इसको बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, इन सीवियर कंडीशन बॉडी बिकम ब्लैक एंड इट लीड्स टू डेथ, जिससे डेथ हो गई, हेंस इट इज कॉल्ड ब्लैक डेथ, और इसको हम इसलिए ब्लैक डेथ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेग। अब प्लेग को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, किस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है, तो इसका देख लेते हैं ट्रीटमेंट। प्लेग का यदि ट्रीटमेंट देखेंगे तो इसको आप एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हो, जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गया और स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, बाय एंटीबायोटिक लाइक टेट्रासाइक्लिन, और स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, इनसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हम इसके अंदर वैक्सीनेशन भी दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्लेग। फिफ्थ डिजीज जो हम पढ़ेंगे अब आफ्टर प्लेग, फिफ्थ वन है प्लेग के बाद, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया यदि जो डिप्थीरिया की बात करें तो डिप्थीरिया जो है वो किसमें होता है, ये ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है, मोस्टली सीन इन चिल्ड्रन, ज्यादातर ये बच्चों में देखा जाएगा। और डिप्थीरिया कौन कॉज करता है, कॉज बाय कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये कॉज करता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में होता क्या है, देखो ये जो बैक्टीरिया है ये हमारी बॉडी में एंटर करेगा, बॉडी में ये जाता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट कर सकता है, इसके अलावा आई को अफेक्ट करेगा, मिडिल ईयर को अफेक्ट कर सकता है, और जेनिटल पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, और उनके अंदर जाके क्या करेगा, इन पार्ट्स में एंटर करके इसके अंदर इंटरनल लेशन या इंटरनल वुंड, घाव क्रिएट कर देगा, ठीक है। और जब इंटरनल घाव क्रिएट करेगा तो उससे क्या होगा, उससे एक फॉल्स मेम्ब्रेन बन जाएगी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हमारे थ्रोट के अंदर। तो इसका एक्शन देख लीजिए, इसका एक्शन इंपॉर्टेंट है। डिप्थीरिया का यदि एक्शन देखेंगे, डिप्थीरिया क्या करेगा, एंटर इन द बॉडी, एंटर इन द
बॉडी बॉडी में एंटर करेगा और कहाँ कहाँ जा सकता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, आईज में, इसके अलावा जेनाइटल पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, जेनाइटल डक्ट के अंदर चला जाएगा। एंड कॉजेस वुंड विच लीड्स टू फॉर्म ए फॉल्स मेम्ब्रेन थ्रोट, और ये थ्रोट में एक फॉल्स मेम्ब्रेन बना देगा। फिर कुछ भी हम एनगल्फ करेंगे तो उसमें हमको प्रॉब्लम होगी। और इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? सिम्टम्स सिम्टम्स की यदि बात करें तो इसके सिम्टम्स होंगे माइल्ड फीवर, हल्का हल्का बुखार रहेगा, माइल्ड फीवर रहेगा। इसके अलावा सोर थ्रोट, गले में हमेशा खराश रहेगी, सोर थ्रोट होगा। इसके अलावा माइल्ड हेडेक, हल्का हल्का सर में दर्द रहेगा हमेशा, माइल्ड हेडेक। और लूजिंग ऑफ सेमी सॉलिड फ्लूड, हमेशा क्या होगा, माउथ से गले से फ्लूड म्यूकस सेमी सॉलिड फ्लूड निकलता रहेगा। लूजिंग ऑफ सेमी सॉलिड फ्लूड फ्रॉम थ्रोट, गले से फ्लूड निकलता रहेगा, ठीक है। ये कुछ इसके सिम्टम्स रहेंगे। फिर आता है इसका ट्रीटमेंट, इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट की यदि बात करोगे तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, बाय एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक क्या रहेंगे? लाइक पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन दे सकते हैं, और एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। ये कुछ एंटीबायोटिक इसके अंदर हम दे सकते हैं, या इसके अलावा इसको सर्जरी से भी निकाला। अगर फेवर कंडीशन हो गई, मेम्ब्रेन बन गई है, तो सर्जरी करके उस मेम्ब्रेन को हम रिमूव कर देंगे। तो ये हो गया आपका डिप्थीरिया। तो यहाँ तक हमने पांच डिजीज पढ़ी हैं अब तक, और ये पांचों जो डिजीज हमने पढ़ी हैं, ये पांचों हैं हमारी बैक्टीरियल डिजीज। अब बैक्टीरियल डिजीज खत्म करने के बाद अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर वायरल डिजीज। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है वायरल डिजीज। ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो वायरस की वजह से हो, ये कहलाती हैं वायरल डिजीज। और इसमें जो पहली डिजीज है वायरल डिजीज में, यह हमको इसको दे देते हैं डिजीज नंबर वन। ये है हमारा कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, और जो कॉमन कोल्ड है ये किसकी वजह से होता है? कॉज्ड बाय राइनो वायरस। ये राइनो वायरस की वजह से होगा, ठीक है। और कॉमन कोल्ड में होता क्या है? कॉमन कोल्ड के अंदर जो वायरस है ये बॉडी में एंटर करेगा, और एंटर करके हमारे अपर रेस्पिरेटरी पार्ट को अफेक्ट करेगा, मींस जो हमारा नेजल चैम्बर है, नोज है, उसको अफेक्ट कर देता है ये। तो इसमें होता क्या है, जो ये वायरस है इसका एक्शन देख लेते हैं। वायरस एंटर इन दी इन दी बॉडी एंड अफेक्ट दी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा, जो कि क्या है, जो कि है आपका नोज।
ठीक है। अब देखो कॉमन कोल्ड जो है ना, ये हम लिखते हैं कि वायरस की वजह से हो रहा है, लेकिन कॉमन कोल्ड बैक्टीरिया की वजह से भी होता है। वो बैक्टीरिया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो ये बात आप याद रखिएगा, आपको एनसीईआरटी में सिर्फ राइनो वायरस ही मिलेगा, बट कॉमन कोल्ड ऑल्सो कॉज बाय बैक्टीरिया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस बात को, ऑल्सो कॉज बाय बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, और वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये भी कॉज करता है कॉमन कोल्ड भी, ठीक है। तो देखो जो बैक्टीरिया के द्वारा कॉमन कोल्ड होता है उसको तो एंटीबायोटिक से ट्रीट करना होगा, लेकिन जो वायरस के द्वारा कॉमन कोल्ड होता है वो अपने आप 3 से 7 दिनों के अंदर अंदर अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि वायरस पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता। वायरस को मारने के लिए या उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए हम कोई एंटीबायोटिक नहीं दे सकते, किसी भी वायरल इंफेक्शन में एंटीबायोटिक कैपेबल नहीं होती। तो अब देखिए, जैसे ये हो गया आपका राइनो वायरस से होने वाला कॉमन कोल्ड हो गया, और जो इसके सिम्टम्स हैं वो क्या होंगे? इसमें क्या होगा? सोर थ्रोट होगा, गले में खराश होगी, और क्या होता है कॉमन कोल्ड के अंदर? फीवर आएगा, टायर्डनेस होगी, थकान हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी कमजोरी हो गई, और क्या होगा? स्नीजिंग, छींकें आएंगी बार बार, स्नीजिंग होगी, स्नीजिंग हो जाएगी, और क्या होगा? स्नीजिंग के बाद इसमें कफ हो सकता है, हेडेक होगा, कफ होगा, हेडेक होगा, और ये सारी चीजें तो रहेंगी इसके अंदर। तो ये हो गए सिम्टम्स इसके। इसके अलावा इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो जाएंगे? यदि आप इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे, MOT, तो इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होंगे? ये बाय ड्रॉपलेट के थ्रू फैल सकता है, बाय ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ड्रॉपलेट के थ्रू, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैल सकता है। ड्रॉपलेट के थ्रू फैल सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू फैल सकता है। ये हो गया आपका कॉमन। इसके बाद कॉमन कोल्ड में एक हम पॉइंट लिख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ये लिख लिया होगा आप सभी ने, एक पॉइंट हम इसमें ऐड कर देते हैं। कॉमन कोल्ड की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड कैन बी ऑटोमेटिकली ट्रीटेड विद इन 3 to 7 days। ये 3 से 7 दिन में वो अपने आप क्या हो जाता है? ट्रीट हो सकता है, लेकिन कौन सा ट्रीट हो सकता है ये याद रखना, वायरल, जो वायरल कॉमन कोल्ड है वो ट्रीट होगा, बैक्टीरियल अपने आप ट्रीट नहीं होगा, उसमें आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। और इसको ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं कॉमन कोल्ड को? हम लोग इसके लिए हम लोग स्टीम लेते हैं, स्टीम लेंगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वायरस जो है वो हाई टेम्परेचर पे, जो इसका वायरस है रियो वायरस, ये हाई टेम्परेचर पे डीएक्टिवेट हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट देखो कॉमन कोल्ड का तो कैसे हो सकता है, बाय बाय यूजिंग नेजल क्लियरिंग एजेंट।
इसमें हम नेजल क्लियरिंग एजेंट यूज करते हैं, और वो किस नाम से आता है, ये होता है मेटाजोलिन। जो वो आते हैं ना नेजिवियन होते हैं, इन सब के अंदर मेटाजोलिन होते हैं, सोडियम और क्लोराइड का सॉल्ट का सोल्यूशन होता है, मिस्ट फॉर्म में होता है। इसको स्प्रे करेंगे तो ये क्या करेगा, नेजल डिकंजेशन करेगा, मीन्स आपके जो वायरस है उनको इनएक्टिवेट करने का काम करेगा, और स्टीम से भी इसको इनएक्टिवेट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर जो बैक्टीरियल कॉमन कोल्ड हुआ है तो उसमें हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं। ये हो गया आपका कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के बाद नेक्स्ट हमारे पास में आती है डिजीज डेंगू। नेक्स्ट वन है डेंगू। डेंगू जो है ये होता है डेंगू वायरस की वजह से, कॉज बाय डेंगू वायरस। और डेंगू वायरस की कैटेगरी है रेट्रो वायरस। अब डेंगू का यदि हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें कि ये कैसे फैलता है, ये तो आपको पता ही है, मच्छर के काटने से फैलेगा, बाय टाइगर मॉस्किटो। ये टाइगर मॉस्किटो या फिर जो मोस्ट कॉमन है एडीज मॉस्किटो, AEDES, एडीज मॉस्किटो, इनके बाइट करने से फैलता है। डेंगू के यदि आप सिम्टम्स देखेंगे तो सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें एकदम से फीवर आता है, हाई फीवर, हाई फीवर होता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, हाई फीवर रहेगा और मसल्स में जॉइंट्स में पेन होगा, जॉइंट एंड मसल पेन। और जो फीवर है वो कितना होता है, लगभग ये होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, जॉइंट पेन रहेगा। इसके अलावा ठंड लगेगी और पिन सेंस, ऐसा लगेगा जैसे शरीर में सुइयां चुभोई जा रही है, तो इस तरह की फीलिंग आपको आएगी। हेडेक होगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, ये सारे सिम्टम्स आपको डेंगू के अंदर देखने को मिलेंगे। जी घबरा, जी अजीब सा जी होगा, जी मचलाएगा, तो बोलते हैं नौजिया हो जाएगा, जी खराब हो जाएगा। तो ये सब हो गया डेंगू के अंदर। डेंगू का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, क्या करेंगे डेंगू के ट्रीटमेंट में, हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम पैरासीटामोल यूज करते हैं, बाय यूजिंग पीसीएम। पीसीएम मतलब पैरासीटामोल। पैरासीटामोल ना एंटीपायरेटिक है, ये फीवर को कम करता है। पैरासीटामोल देंगे और प्लेटलेट्स रिप्लेनिशमेंट करते हैं, बाय प्लेटलेट्स रिप्लेनिशमेंट। प्लेटलेट्स रिप्लेनिशमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि डेंगू का जो वायरस है ये हमारी ब्लड प्लेटलेट्स पर अटैक करता है, और ये ब्लड प्लेटलेट्स काउंट को घटा देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पाएगा। अगर हल्का सा भी इसमें कट लग जाए या ब्लड एक बार बहना शुरू हो जाए तो फिर ब्लड रुकता नहीं है, और उस केस में पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो ये हमने पढ़ लिया डेंगू। अच्छा, डेंगू के अंदर हम क्या करते हैं, जिस पर्सन को डेंगू है उसको डिस्प्रिन या एस्प्रिन नहीं देते, क्योंकि डिस्प्रिन और एस्प्रिन क्या करती है, ये भी ब्लड को पतला करती है। तो यदि उसका प्लेटलेट काउंट पहले ही कम हो गया है, और यदि आप उसको और डिस्प्रिन या एस्प्रिन दे दोगे तो उसका प्लेटलेट काउंट और घट जाएगा, तो उससे क्या होता है, ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, कहीं से भी बॉडी से खून आ सकता है, जो हमारे ओपनिंग से जैसे नोज वगैरह से ब्लड आ सकता है, और उस वजह से उस पर्सन की डेथ हो सकती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि डेंगू के पेशेंट को कभी भी एस्प्रिन या डिस्प्रिन नहीं देते, ये लिख लो आप नोट करके।
डेंगू पेशेंट कैसे लिखिए? नेवर नेवर गिव एस्पिरिन और एस्पिरिन टू दी डेंगू पेशेंट। ठीक है, क्यों नहीं देते? बिकॉज इट कॉजेस थिनिंग ऑफ ब्लड। Which leads to bleeding, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसलिए डेंगू के पेशेंट को कभी भी हम डिस्प्रिन या एस्प्रिन सजेस्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया डेंगू। अब डेंगू के बाद नेक्स्ट जो आता है वायरल वो है चिकनगुनिया। तो इसको रब कर देते हैं और फिर बात करते हैं हम लोग चिकनगुनिया के बारे में। नेक्स्ट है चिकन गुनिया। चिकन और ये जो चिकन गुनिया है ये किस वजह से होता है, कौन सा इसको वायरस कॉज करता है? तो कॉज बाय अल्फा वायरस। ये अल्फा वायरस की वजह से होगा चिकन गुनिया। और चिकनगुनिया का यदि हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो ये भी मॉस्किटो की वजह से फैलता है, बाय टाइगर मॉस्किटो। ये टाइगर मॉस्किटो की वजह से फैलेगा। इसमें सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स की यदि बात करोगे तो इसमें सिम्टम्स होंगे हाई फीवर, और सबसे हाई फीवर होता है चिकनगुनिया के अंदर। ये होता है 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, बहुत हाई फीवर रहता है। और ये कब तक रहता है? 2 दिन तक बुखार रहता है इसमें, लास्ट फॉर 2 डेज। 2 दिन तक बुखार उतरता ही नहीं है, 110 120 ऐसे रहता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? फोटोफोबिया हो जाता है, मतलब लाइट से डर जाने लगता है। फोटोफोबिया पेशेंट जो है वो लाइट से डरता है। इसके अलावा सर में दर्द रहेगा, हेडेक होगा। इसके अलावा और क्या होगा? इनसोम्निया हो जाएगा पर्सन को, नींद नहीं आएगी उसको। ठीक है, इनसोम्निया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्लीप, नींद ना आना। जिसको चिकनगुनिया होगा उसको नींद नहीं आएगी। फिर कैसे इसको ट्रीट करें? ट्रीटमेंट देख लीजिए चिकनगुनिया का। ट्रीटमेंट की यदि बात करेंगे तो चिकनगुनिया के केस में हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्लोरोक्विन फॉस्फेट देते हैं बाय यूजिंग क्लोरोक्विन फॉस्फेट। इसमें क्लोरोक्विन फॉस्फेट दी जाती है और मॉस्किटो से क्या करना है? प्रोटेक्शन करना है। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर? हम कुछ प्रिवेंशन ले सकते हैं, जैसे रिमूव दी स्टैग्नेंट वाटर, पानी कहीं पर इकट्ठा ना होने दें, रुका हुआ पानी निकाल दें। ये डेंगू के लिए भी रहेगा, इसके लिए भी रहेगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? क्लीन दी कूलर्स, अपने कूलर को साफ करें, उसमें अगर उससे पानी निकाल ना पाए तो उसमें मिट्टी का तेल डाल दें। ये जो प्रिवेंशन है दोनों के दोनों, ये डेंगू और चिकनगुनिया दोनों के लिए कॉमन रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चिकनगुनिया। अब चिकनगुनिया कवर करने के बाद एक क्वेश्चन लिखें आप लोग। देखिए एक क्वेश्चन ये आप लोगों को करना है। क्वेश्चन लिखिए, गिव द नेम ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म
गिव द नेम ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ गिव द नेम ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ या ऐसा लिखिए गिव द नेम ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर फॉर चिकन पॉक्स chicken pox, small pox, mumps, and measles. तो आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो कि क्या कॉज करते हैं चिकन पॉक्स के लिए स्मॉल पॉक्स के लिए मम्प्स के लिए और मीजल्स के लिए ठीक है तो ये आप लोग लिख लेंगे ये आप लोग कर लेंगे कवर इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कुछ प्रोटोजोन से होने वाली या कुछ फंगस से होने वाली डिजीज जैसे हम कुछ पढ़ेंगे रिंग बॉम वगैरह किससे होता है एमीबियासिस किससे होती है एस्केरिस किससे होती है तो ये सारी डिजीज ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं आज हमने वायरल डिजीज भी कवर कर ली और बैक्टीरियल भी पढ़ ली है चार मैंने डिजीज आपको और दी है चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स मम्स और मीजल्स इनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम लिख के आप लोग मुझे शाम तक व्हाट्सएप पे ये शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं उसे चेक कर लूँ कि आप लोगों ने जो नेम लिखे हैं वो सही है या गलत चलिए थैंक यू सो मच बाकी मिलते हैं अगली क्लास में थैंक यू सर ठीक है अच्छे से टेस्ट दीजिएगा कल टेस्ट है आप सभी का जो सारा सिलेबस हो रखा है आप लोगों का जो टेस्ट में आ रहा है अच्छे से प्रिपेयर करिए और एक अच्छा रिजल्ट आएगा